बहुत प्यार दिया है, बेस्ट ऑफ लक निकी, उसके 5 सीजन कंप्लीट किए हैं फिल्म्स की. सो इतना कुछ करने के बाद मुझे लगता है अब एक एक्टर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कुछ माई जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन. आई थिंक जितना आई थिंक गुरदीप मैम ने काम किया, आई थिंक आई हैव द सेम काइंड ड्रीम. हाँ, मैं एक पुराना चेहरा हूँ टेलीविजन का. आपने मुझे सबसे पहले डॉक्टर जूनी के किरदार में देखा है, फिर कई सारे किरदार किए हैं. अब मैं एक नए चैनल पर आ रही हूँ. थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने, लेकिन ये रिस्क बहुत अच्छा होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है. बिकॉज इशारा पर बहुत अच्छा लाइनअप फैशा है इस चैनल का, कि हम कदम एक महिला और एक पुरुष की कहानी नहीं है. इट्स नॉट ए लव स्टोरी, बट इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ. सो यू कैन वेल इमेजिन ये कितनी एक यूनिक यूएसपी है और एक बहुत ही अच्छा थॉट है, एक नया थॉट है, एक नया नजरिया है. मैं इसमें मदर इन लॉ शांति का किरदार निमकी मुखिया में देखा होगा एज निमकी. एंड अब मैं एक और ऐसा एक इंस्पिरेशनल शो कर रही हूँ जो वुमन एम्पावरमेंट पे ही है. एंड आई थिंक द रोल ऑफ तारा जो बहू है, जैसे कि आधी चीजें तो मोस्टली रेली मैम ने कवर कर दी है, तो ये शो थोड़ा सा हटके है, बहुत प्रोग्रेसिव है. जो आज तक हमने लेडीज शोज देखा है, सास बहू के शोज देखे हैं, वो बिल्कुल भी किचन पॉलिटिक्स और कोई नहीं, इससे बहुत कनेक्ट करेगा क्योंकि हर किसी के घर की कहानी है ये. और अपनी कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो तारा इज जस्ट अ वेरी सिंपल गर्ल, वेरी स्ट्रांग हेडेड, जो जॉब करती है, जो घर पर भी अपना सब कुछ संभालती है, अपनी फैमिली को एंड अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनकी पूरी फैमिली से प्यार करती है. एंड नथिंग एज इफ कि कोई हम दोनों में से कोई नेगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, बट वी हैव डिफरेंट ओपिनियन. नमस्ते, मैं हूँ गुरदीप कुंज और मैं शांति का किरदार निभा रही हूँ. हम कदम शो एक नया टीवी चैनल आ रहा है निशान 1 मार्च से, और मैं उसमें हम कदम शो लेकर आ रही हूँ. नमस्ते, मैं हूँ भूमिका गुरु. आप लोगों ने इससे पहले मुझे निमकी मुखिया में देखा होगा. ऐसे अब मैं आ रही हूँ शारा चैनल पर हम कदम के शो में आज का. और ये कहानी शांति और तारा की है, जो एक सास और बहू है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत प्यारी कहानी है. और हम दोनों एक दूसरे के हम कदम प्ले कर रहे हैं. छोटी मोटी नोट्स को बहुत ही रियलिटी बेस्ड शो कर रहे हैं हमें. शो में फैमिली ड्रामा किचन पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है. आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट ये शो जरूर देखें. 8:30 और इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है 10:30 10:30 मंडे टू फ्राइडे ऑन इशारा. आपने ये कैरेक्टर निभाया, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ और क्या क्या दिक्कत आई? ये कैरेक्टर एक बहुत ही रियल कैरेक्टर है. जब आप शांति का किरदार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे घर की कोई महिला है. और जो इसमें जो सिचुएशंस है, जो स्टोरी है, बहुत ही रियल है. और इसे प्ले कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों का प्यार मिले और हम अपनी कहानी को और ऊंचाई पर ले जाएं. मैं प्ले कर रही हूँ तारा का कैरेक्टर, जो बहुत ही आज की लड़की है, समझ जा रहे हैं, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, शादीशुदा है और अपना घर भी संभालती है. अपने थॉट्स में, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में बहुत बिलीव रखती है और अपने कभी भी बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है. लेकिन वो मेक श्योर करती है कि वो अगर किसी चीज़ में बिलीव करती है, उसे कुछ नहीं करती है, तो वो उसे एक पॉइंट अपना रखती बिना किसी को चोट पहुँचाए, किसी को डिसरिस्पेक्ट करे. तो आई थिंक बहुत ही समझदार काइंड ऑफ कैरेक्टर है. और आज की लड़की इस शो से लोगों को क्या मैसेज मिलेगा और खासतौर पर महिलाओं को? इस शो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है. इस शो की यूएसपी ही है कि एक सास और बहू हम कदम है एक दूसरे की, यानी कि वो एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हैं. ये एक ऐसी सोच है जो हमारी इंडियन ड्रामास और हमारी जो इंडियन फिल्में हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसमें एक नई सोच है. क्योंकि एक सास और बहू का रिश्ता हमेशा एक खट्टा मीठा या बहुत सारी अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाला रहा है, और यही सोच को लेकर हम इस रिलेशनशिप से हमेशा डरते रहते हैं. तो हम कदम एक ऐसा शो है, एक ऐसी सोच लेकर आ रहा है जहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, एक मदर इन लॉ, एक सास और एक बहू, डॉटर इन लॉ.
ऑलरेडी जो जेएनके टूरिज्म का जो सारा सिनेरियो है थ्रो लाइट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ जेएनके टूरिज्म। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरी टीम जेएनके टूरिज्म की और हमारी जो है ट्रेवल ट्रेड यहाँ पे आज इसलिए आए हैं कि आप सब लोगों को पूरे गुजरात के जितने भी टूरिस्ट हैं उनको दावत दें कि आपकी जो नंबर वन जो बेस्ट और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन रही है पहले से, वो डेस्टिनेशन जो है वहां पे जो नई जगह है, जितने भी टूरिज्म प्रोडक्ट सर्विसेज है वो एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू में कश्मीर में आप यहाँ के मीडिया पे होती है, क्योंकि मीडिया के साथ हमारा खास तौर से जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है, संबंध है, वो चोरी दामन का है। तो हमेशा आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पिछले साल भी बहुत मेहनत से आप लोगों ने काफी अच्छा एक प्रमोशन हमें मिला, खासतौर से कोरोना में, क्योंकि आपकी भी फैमिलीज है, घर शाम को जाते थे, आपके मन में भी डर रहता था कहीं गलती से कहीं किसी जगह कोरोना कैच हो गया तो घर में फैमिलीज इफेक्ट हो जाएगी, उसको छोड़ के भी आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जनाब वसीम राजा साहब और श्री सुंदर सिंह जी है जो हमारे सीईओ है मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये शौकत पख्तून साहब चेयरमैन जम्मू कश्मीर पिलग्रिमेज लेजर हैं, आपको सारी हॉस्पिटैलिटी का जो हमारा तहे दिल से हम आप सबका स्वागत करेंगे। और हमारे जो पैकेजेस आ रहे हैं, अब जो हमारी यात्रा शुरू होंगी उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ताकि आप लोग जब आए आपको एट द मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स आपको मैक्सिमम जगह हम आपको घुमा सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रह चुका है, एजुकेशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उसके अलावा ये डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी रह चुके हैं, तो लोगों के सेवा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आज टूरिज्म में आ चुके हैं यहाँ पे, एक तो पेंडेमिक को जिस तरीके से डील किया गया वो, दूसरा जो जिस तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने तैयारी की थी कि पेंडेमिक के बाद जो रिवाइवल हुआ है टूरिज्म का, प्रमोशनल जो हमने कंपेन चलाई थी या जो सर्विसेज में हमने इम्प्रूवमेंट लाई थी या जो होटलियर्स और प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हमारे, चाहे हाउस बोट वाले हों, चाहे वो पोनी वाले हों या बाकी लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है पर्यटकों को और पर्यटकों ने एम्बेसडर बनकर के जो मैसेजेस अपने जो रिश्तेदारों के हाँ, अपने दोस्तों के हाँ भेजी है, उससे काफी पॉजिटिव जो है असर पड़ा है। एज ए रिजल्ट ऑफ इस टूरिज्म स्टार्टेड पिकिंग अप और इस वक्त जो है बिल्कुल काफी बंपर सीजन विंटर के हवाले से है। वी आर एक्सपेक्टिंग जो हमने आने वाले दिनों में तैयारी की है, चाहे वो ये होटल फेस्टिवल हो, चाहे हाउस बोट फेस्टिवल हो, चाहे जम्मू महोत्सव हो, ये सारे वो फेस्टिवल्स हैं जो एक बिगर प्लेटफॉर्म देंगे हमारे टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। और स्पेशल पैकेजेस हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी स्पेशल पैकेजेस तैयार किए हैं। नॉट ओनली दैट बल्कि जो लोग हमारे प्रीमियम टूरिज्म हैं, चाहे वो श्री माता ये जो वैष्णो देवी आना चाहेंगे या अमरनाथ जी आना चाहेंगे, उनके लिए भी हमने जहाँ वो पवित्र जगहों पे जाते हैं उसके बाद जो लेजर टाइम उनके पास होता है वो बाकी जगहों पे भी जाए, उसके हवाले से भी हमने एक पैकेज की तैयारी करी। 20 साल से पैकेज की आपने तैयारी की है, रेशो प्राइस रेट प्राइस जो है सर, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई, ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के हवाले से हमने लोगों को जम्मू एंड कश्मीर विजिट करने के लिए आमंत्रित करने के लिए बुलाई हुई है। इस वक्त आप जैसा कि जानते हैं कि विंटर टूरिज्म काफ़ी अच्छा वहाँ रहा और अब स्प्रिंग एंड समर टूरिज्म के हवाले से भी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है और जो पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आ जाए, वहाँ के नेचुरल ब्यूटी को, वहाँ के हॉस्पिटलिटी को और वहाँ की जो जितना क्रूजीन है बाकी चीज़ों को एंजॉय करें, इस हवाले से हम आपके ज़रिए से एक मैसेज देना चाहते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर आए, चाहे वो टूरिज्म बिजनेस टूरिज्म के हवाले से अपना टूर बनाए, उसके लिए भी पैकेज बन चुका है, नेचुरल सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, टुलिप को एंजॉय करने के लिए पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग या हमारा सुरेंद्र मानसर ये जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हमारे हैं उन्होंने पहले ही वहाँ अच्छी तैयारी की है, जितने हमारे होटलियर्स हैं या बाकी जितने टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, सारे के सारे लोग जो है टूरिस्ट्स का, खास तौर से जो गुजरात के हमारे फैटरिटी है, गुजरात से जो पर्यटक आने वाले हैं उनका हम वेलकम करते हैं और उनको एश्योरेंस देते हैं कि जब भी वो इस वक्त अपना टूर प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर का बनाएंगे, चाहे वो जम्मू का या कश्मीर का बनाएंगे, दे विल हैव अ न्यू फीलिंग और उनको एक अच्छा एक अनुभव मिले, उसका हम लोग जो है पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। सर, कोरोना की वजह से टूरिस्ट की संख्या वहाँ पे कम हुई है, इसलिए ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, ये पेंडेमिक के बाद पूरे मुल्क में जब पर्यटकों का जो है वो सिलसिला दोबारा से चालू किया गया
तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जिससे टूरिज्म काफी क्विकली रिवाइव हो गया है। और अभी तक अगर आप देखेंगे नवंबर से लेकर के आज तक पिछले 3.5 या 4 महीनों में बहुत सारे पर्यटक, देयर हैज बीन अ बंपर यू नो टूरिस्ट फ्लो इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका बुनियादी वजह यह है कि जो पेंडेमिक को या कोविड को जो वहाँ जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया या जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रोटोकॉल इनको कोविड को इफेक्टिवली डील किया है, उससे पर्यटकों में और स्टेक होल्डर्स में कॉन्फिडेंस लेवल आ गई है। और उसके चलते जो है इस वक्त जो टूरिज्म है वो बिल्कुल बैक टू ट्रैक है। एंड बाकी जगहों पे कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त अभी पर्यटक के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं चल रही है, हम आपके जरिए से लोगों को आमंत्रित करते हैं, गुजरात के लोगों को दावत देते हैं कि वो आए और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से जो हमारी हॉस्पिटलिटी और हमारी नेचुरल ब्यूटी, हमारे टूरिस्ट एक्सपीरियंस को जो है हमें हॉस्पिटलिटी का एक मौका दें। जम्मू एंड कश्मीर को किस वजह से ये फायदा मिला कि टूरिस्ट वहाँ पर बढ़े, इस वजह से आपका कहना है?